अच्छा ये वीडियो जो है बिकन हाउस के बच्चे मत देखें जो अभी ताज़ा ताज़ा मलका की फातिहा करके बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी खुदा इनकी मगफरत करे, आपने खुदा को क्या पाकिस्तानी लिबरल समझ लिया कि अंग्रेज़ है तो छोड़ देगा, मुसलमान है और काली चमड़ी वाला है तो उसको घसीट देगा। फिर जितने अभी हाल में हमारे पॉलिटिशियंस मरे मुल्क को लूट लूट कर, अल्लाह उन सब की भी मगफरत करे। अस्सलामुअलैकुम, मैं फेरी हॉल आया था, फेरेर हॉल जो है कराची का मशहूर, वहाँ आने के बाद यहाँ पर एक यादगार नज़र आई है। मैं आपको उस यादगार का जो टॉप है उसका एक जूम हुआ हुआ शॉट दिखाता हूँ। उस पर लिखा हुआ है उन ब्रिटिश ऑफिसरों, इंडियन ऑफिसरों, नॉन कमीशनड ऑफिसरों, सिपाहियों, जिन्होंने अपनी बादशाह सलामत और अपनी मुल्क के लिए इज्जतें जाने कुर्बान की, खुदा उनकी मगफरत करे, आमीन सुम्मा आमीन। आपका भी दिल चाहे आमीन बोल देना। खैर इसका बदला तो यहाँ की आवाम ने ले लिया है, कराची वालों ने, ये देखें की थी इन्होंने सब कॉन्टिनेंट के खजानों के ऊपर, यहाँ के लोगों के ऊपर किस तरह का इस्तेसाल हुआ था। जैसे हम कहते हैं ना मोहम्मद बिन कासिम लुटेरा था, महमूद गजनवी लुटेरा था, तो भाई सिर्फ गोरा रंग होने की वजह से छोड़ो मत, ये भी लुटेरे थे, इन्होंने भी लूटा था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा ये वीडियो जो है बिकन हाउस के बच्चे मत देखें जो अभी ताज़ा ताज़ा मलका की फातिहा करके बैठे हुए हैं। ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये बाकी लोगों के लिए है। इन्होंने यहाँ के खजाने खाली किए, इनकी वजह से यहाँ पर कहत पड़ा, इन्होंने लोकल इंडस्ट्री तबाह करके वहाँ इस्टेब्लिश की। अच्छा जब मैं सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, हिंदू मुस्लिम सिख जो जो सब कॉन्टिनेंट के इंडिजीनस लोग थे, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। अच्छा बात हो रही थी खजानों की, जब ये बिल्कुल लास्ट दौर आया था जब कैद वगैरह पड़ा, तो यहाँ पर उसने जब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, उसके ऊपर फिल्म भी आई थी यार, क्या नाम था उसका, अच्छा खासा मोटा सा था, जब उसको बताई थी यहाँ की हालत, तो उसने कहा था मरने दो ये, पता नहीं खरगोशों की तरह या चूहों की तरह बच्चे पैदा करते हैं। दिस वॉज हिज रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन इन सब कॉन्टिनेंट। अच्छा फिर यहाँ के जो फ्रीडम फाइटर थे जो यहाँ की लैंड की आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे, भगत सिंह हो गया, मंगल पांडे हो गया, फिर इसमें दूसरे जितने भी हो गए, उन सब को इन्होंने, आपको मालूम है अगर आपने थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी हुई है, फिर यहाँ पर और भी बेशुमार चीज़ें थीं जो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने की, ये सारी चीज़ें करने के बाद भी खुदा इनकी मगफरत करे, आपने खुदा को क्या पाकिस्तानी लिबरल समझ लिया कि अंग्रेज़ है तो छोड़ देगा, मुसलमान है और काली चमड़ी वाला है तो उसको घसीट देगा। सो दिस इज़ क्वाइट प्रॉब्लमैटिक। अगर ऐसा है तो भाई फिर मोहम्मद बिन कासिम का भी लगाओ लोग रोडों पर, क्या खुदा उसकी मगफरत करे। फिर जितने अभी हाल में हमारे पॉलिटिशियंस मरे मुल्क को लूट लूट कर, अल्लाह उन सब की भी मगफरत करे। फिर मगफरत का एक अंबार लगा दो यहाँ पर, ढेर लगा दो कि इन्होंने मुल्क के लिए इज्जतें और जाने कुर्बान की। कुछ भी कुछ भी, वो मोदी वाली मीम याद आ गई, झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो। दिस इज हाउ पीपल सेलिब्रेट देयर हीरोज, द नेशंस सेलिब्रेट देमसेल्व्स। और एक हमारे यहाँ है हर चीज में हम ऐसे हम ऐसे हम वैसे। वेल आई एम गेटिंग इमोशनल, सो वी आर क्लोजिंग द वीडियो हेयर। थैंक यू सो मच।